Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksa di jadi kerja yang mulai untuk ini. Waktu cuci ini mulai. Rapi waktu dia ke light party waktu mulai. Kerana bahan bahan kafe sudah cukup. Ada beberapa orang yang jadi mesti kata sahaja. Kita akan ikhwan. Sudah cukup. Kami, kami semua ini. एसोसिएशन की जो मसाइल है उसकी रिपोर्ट सुनी और जो दो हमारे इसम उनका जिक्र है रिपोर्ट से पता चल रहा है कि अल्लाह ताला के फजल के साथ जो जर्मनी की हमारी एसोसिएशन है बहुत तेज़ी से तरक्की का सफर कर रही है। इसके लिए खासा मुखरो मोहतरम सदर साहिब को एक कामयाब प्रोग्राम पेश करने पर और ये जो सारा साल अल्लाह के फल से 24,000 और बहुत बड़ी रकम है ये मुस्तहिक तौर तक पहुँचाने के लिए सर सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपने और आपकी टीम ने बहुत खूबसूरत काम किया है और आप सबका भी बहुत शुक्रिया जो दूर दराज से तशरीफ लाए हैं और सारा साल आप इसकी मदद कर रहे हैं। सबसे पहले हज़रत अमीर मोमिनीन सैयद अल्लाह ताला फ़ज़ल अज़ीज़ की इजाज़त से खाकसार आप सबको प्यारे गुरु की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू का तोहफ़ा पेश करता है। अल्लाह ताला फ़ज़ल कदर में हमारे महबूब इमाम का हाफ़िज़ुल असर हो। जहाँ असातिज़ा का ज़िक्र खैर हुआ दोस्तों का वहाँ ये खाकसार दरख्वास्त करना चाहेगा, हमें हमेशा अपने वालिद को भी दुआ में याद रखना चाहिए जिन्होंने तमाम तर नामसाइल हालात के बावजूद हमें कादिर भिजवाया और आज हम इस काबिल हैं कि इतनी खूबसूरत मजलिस में हमें बतौर मेहमान मदऊ किया गया है। कुछ वालिद तो यकीनन मुतमबल होंगे या वीर होंगे लेकिन ज़्यादातर वालिद ऐसे थे जो मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़ी कुर्बानी करके हमें ये तालीम दिलवाई और अल्लाह ताला के फजल के साथ हमें ये इज़्ज़त हासिल हुआ है। अपने बच्चों को भी इस इज़्ज़त का बताया करें। आमतौर पर होता क्या है कि अगर कोई छोटा सा दुनियावी अदाकार एक्टर कोई सिंगर किसी कॉलेज में पढ़ता हो तो लोग जाकर बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि फला बंदा भी जो है मैं कॉलेज पढ़ता हूँ जहाँ वहाँ हम खुदा के फजल से उस कॉलेज में पढ़े और ये सिर्फ अल्लाह का इजहार अल्लाह ताला का फजल हम भी और ये हमारे वालिद की कुर्बानी उस कॉलेज में पढ़े कि जिस कॉलेज में पढ़ने वाले आज इस दुनिया के महबूब तरीन शख्सियत अल्लाह ताला की महबूब तरीन शख्सियत है। और बहुत से ऐसे अहबाब ने वहाँ से पढ़ा तो अपने बच्चों को बड़े फ़ख्र से ये बात जरूर बताया कि आज उनसे फ़ख्र से कि हम अल्लाह ताला के फजल से उसका भी से पढ़ेंगे और जहाँ पे फिर ये इजाज़त होता है वहाँ पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी हो जाती है कि हमें अपने बच्चों के सामने भी ऐसा रोल बताना है कि हम एक ऐसे कॉलेज से पढ़े हुए हैं जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बड़ा इदारा है जो हवर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई जा रहा है। तो हमारा जो हमारी गुफ्तगू है हमारा जो किरदार है वो भी फिर बच्चों के लिए भी रिश्तेदारों के सामने भी बाकी दोस्तों के सामने भी फिर ऐसा होना चाहिए पता चलना चाहिए कि लोग उस मोड़ के पूछे कि क्या यार कहीं तुम उस कॉपी से क्यों पढ़े हो क्योंकि ये अल्लाह के फजल से हमारे अहमदियों में ये एजाज़ है। पिछले दिनों एक अहमदी दोस्त सिंध गए सिंध से अब आ रहे थे उनकी गाड़ी खराब हो गई वो मकैनिक के पास हो गए कुछ देर गुफ्तगू की तो उस मकैनिक ने कहा कहीं ना रबुआ तो नहीं जा रहे हैं। मैं कहा जी मैं तो रबुआ जा रहा हूँ आपको कैसे पता चला। उन्होंने कहा इतनी इज्जत के साथ हमसे रबुआ के लोग ही बात कर सकते। तो हमारे भी यहाँ पे तालीमुल इस्लाम कॉलेज के जो मेम्बरान हैं हमें अपनी गुफ्तगू से अपने किरदार से अपने अमाल से साबित करना है कि हम उस इदारे के पढ़े हुए हमें
जाने के बाद आप चुनाव करते हैं। ये मेरे हाथ में किताब देख के कुछ दोस्त आगे होंगे शायद ही सवाल, बल्कि मैंने इस पर कुछ नोट्स अभी लिखे हैं वो मैं आपको सुना रहा हूँ। और जहाँ तक के कॉलेज एसोसिएशन जर्नी का ताल्लुक है, कहे प्रोफेसर चौधरी नमीरे मसला ने इसको बहुत आसान तरीके से इसको लेके चले और फिर आप जो मोहतरम गफूर्णों को सर इसको मोहतरम प्रोफेसर चौधरी हमीदे मसाब से जब मेरा तारफ हुआ जब मैं पहली दफ़ा इस प्रोग्राम में आया तो मेरा मैं आपसे कभी पहले नहीं मिला था, सिर्फ फ़ोन पे इतनी मोहब्बत से बात की। बल्कि मैं ये अर्ज़ करूँ कि जर्मनी जमात को जहाँ और बहुत सी चीज़ों में सबक हासिल है, वहाँ पर जो एक खलूस दिन है जो मेहमानों को मिलना उनको रिसीव करना, ये भी जमात जर्मनी को वक्फ़ दिया हुआ सर सर तशरीफ रखते हैं बड़े हमारे गौसे में। तो मैं चौधरी नवीने वसा का जिक्र कर रहा था, मैं रबा गया हुआ था और मेरी मोहतर चौधरी नवीन वसा जो अकीले थे उनसे मुलाकात हुई तो वो मुझे कहने लगे कि अगर आप परसों तक रुक जाए, क्योंकि कल हमारा प्रोग्राम है, अगर परसों तक रुक जाए तो हम आपके साथ एक नशिस्त करना चाहेंगे। तो मैंने कहा कि मेरे लिए तो बहुत बड़े एजाज की बात है अगर मैं शामिल हो पाता, लेकिन मुझे जर्मनी जाना है क्योंकि मैंने वादा किया हुआ है और मैंने आज ही वापसी है और एयरपोर्ट उतर के 5 घंटे के बाद मेरी जर्मनी बुलानी है। तो मोहतरम चौधरी हमीदे वसा ने मुझे वहाँ पर बुलाया है। तो मैं जब बाहर आया तो चौधरी हमीदे वसा जो वर्मियन था मुझे उसका वो डायलॉग याद आया, वो बाहर आके बड़ा परेशान सा था। मैंने कहा क्या हो रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कौन से चौधरी हमीदे वसा है जो चौधरी हमीदे वसा से भी बड़े हैं। उन्होंने आपको बुलाया था, उधर आपका पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन अल्लाह तला के फल से जब यहाँ आपसे मुलाकात हुई बहुत सी खूबियों का मालिक पाया और अब मोहतरम गफूर डॉक्टर साहब जो अल्लाह तआला के फज़ल के साथ काम कर रहे हैं, मेरी भी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप सदर साहब के दस्तों बातों बने और इस तंजीम को और भी आगे लेके जाएं। इस तंजीम की हमारी जो सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है वो कि बड़ी छोटी तंजीम है लेकिन खलीफा वक्त की खास दुआएँ और शक्कर इस हमारी तंजीम के साथ राजा फैक्ट्री में एक दफ़ा मुझे याद है एक मजलिस में मुझे इन्होंने कहा कि राज साहब बहुत सारे ग्रहण जो तंजीम के मेंबर बने हुए हैं ये डी एन कॉलेज में कभी भी नहीं पढ़े, ठीक है, लेकिन सिर्फ एजाज़ के लिए आ जाते हैं। तो मैंने ऐसे जाहिर है हम किसी को रोकते थे नहीं, मैंने उनको अलग तारफ मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा कि कॉलेज में कभी पढ़े हैं, कहते कि मैं सिर्फ दाखिला फॉर्म लेने गया था। मैंने कहा फिर वो फेल किए थे, कहते नहीं मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं फेल नहीं कर पाया था, लेकिन मैं उस कॉलेज में गया जरूर था और मैं एक दफ़ा गुजर रहा था तो कोई टीचर पढ़ा रहे थे तो मैंने जाते जाते बस इतना ही मैं पढ़ा। तो अल्लाह के फज़ल से चूँकि हमारी ये तंजीम खलीफा इमाम की खास शफकत है इसमें तो जो सब मेम्बरान हैं वो बड़ा एजाज महसूस है। हम में से बहुत से तो इस उम्र के हिस्से में हैं जो अब शायद उसका हमारी इनकम नहीं है, लेकिन हमारे जो बच्चे गान हैं अगर वो बहुत सारे रोजगार हैं तो उन्हें बताइए कि किस तरह हमारे बुजुर्गों ने कल स्कूल बनाए, हम उन स्कूलों में पढ़े, आज अल्लाह ने हमें ये एजाज दिया है, आज हमारी बारी है कि हम इन बच्चों को उसी तरह पढ़ाना है। और आखिरी बात कि हमेशा हजरत अमीर मोमिनीन हजरत अल्लाह ताला रसूल अजीज को अपनी दुआओं में याद रखी, आपके बाबरकत वजूद की वजह से ये सारी खुशियाँ ये सारी बरकतें ये सारी रौनकें जो हैं। और हजरत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम उसका का जो शेर है मेरा मकसूद हो मकबूल हो तमन्ना खिदमत खल्क़ हस हमी कारण हमी बारम हमी रस्म हमी राम
तो सब कोशिश करें कि जो भी आप चंदा दे रहे हैं कोशिश करें। दुआ से पहले मैं लोकल प्रवेश साहब का नहायत मशहूर हूँ कि उन्होंने आज के प्रोग्राम में इस तरह तावन किया। मैं खुश रविंदा हूँ कि मैं उनका किस तरह शुक्रिया अदा करूँ। इसी तरह चौधरी मोहिंद्र जफर साहब ने भी दिन रात मेहनत की है इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए, और भी बहुत सारे मेहनत भी हमारे साथ बहुत तावन किया। शोभा समी बसी ने भी हमारे साथ तावन किया। इसी तरह MDA की टीम भी मौजूद थी। अल्लाह ताला उन सबको जजा दें। और मैं आप दरख्वास्त करता हूँ प्रताप चौधरी मीरियान साहब से को दुआ के लिए दुआ करवा दें। उसके बाद सबसे पहले ये मेहमान जो हमारे बैठे हुए हैं ये खाने के लिए तशरीफ लेके जाएंगे। उसके बाद हमारे हमारे सब दोस्त हैं वो खाने के लिए तशरीफ लिए हैं। तो दुआ की दरख्वास्त है। नहीं खोली हुआ टाइम निकाला।